गुजरात में पूरा समर्थन भाजपा को क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत है, और ये झूठा केजरीवाल जो था, जो कह रहा था भाजपा को 20 सीट नहीं आएगी ना, उसके मुंह पर गुजरात के लोगों ने तमाचा मारा है। इस बेवकूफ़ आदमी को पता ही नहीं है कि वो गुजरात है, दिल्ली नहीं है, जो झूठ उसके झूठ के झांसे में गुजरात वाले आ जाएंगे। आज उससे सभी चैनल वालों को पूछना चाहिए कि उसकी हिमाचल में कितनी सीटें आई और गुजरात में कितनी सीटें आई। गुजरात में जमानत जब्त, केजरीवाल का जमानत जब्त हो चुका है। इसके साथ ही 2002 का रिकॉर्ड टूटा है बीजेपी प्रचंड बहुमत से। क्या लगता है, क्या वो उद्देश्य बीजेपी पूरा करेगी जनता के लिए? 2014 से मोदी जी लगातार रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार तोड़ने का है, चाहे वो कोई किसी भी क्षेत्र में रोड बनाने के लिए हो, 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का, कोई भी क्षेत्र पकड़ लीजिए, मोदी जी रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे आज एक रिकॉर्ड और ध्वस्त किया मोदी जी। प्रचंड बहुमत, गुजरात में 158 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में गिर चुकी है, क्या कहेंगे? मैडम ये तो सीट्स लिमिटेड थी, इसलिए 150। ये शेर का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। अब गुजरात का शेर पूरे विश्व में घूम रहा है और अब बीजेपी मुख्यालय में आ गया है। चलिए इनका कहना है गुजरात का शेर पूरे विश्व में टहल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जादू मोदी मैजिक पूरी जनता ने समर्थन दिया है। प्रचंड बहुमत, 2002 का भी रिकॉर्ड ब्रेक, अमित शाह जी ने दावा किया था प्रचंड बहुमत, क्या कहेंगे? प्रचंड बहुमत इससे बड़ी क्या हो सकता है, सत्ताईस साल का रिकॉर्ड तोड़ा है मोदी जी ने, जो गुजरात में आज तक कोई सोच नहीं सकता था, जो हिमाचल में भी जो है ना जो अटकी है, एक्चुअली ग्राउंड लेवल का जो है ना नेता हमारे वहाँ पर जो काम किया है, आप बहुत अच्छा है। लेकिन है क्या, ये भारत का ही नेता नहीं है हमारे मोदी जी, पूरे विश्व का नेता है ये। केजरीवाल को मुंह पर जो है तमाचा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाचा मारा गया, जो 5 सीट पर ये जो है निपट गया उन्होंने। कांग्रेस कह रही थी कि हम मुकाबले में इस बार भी टक्कर देंगे, क्या टक्कर देंगे, जो इसका जो 30-40 सीट थी आज जो है ना उसका 10-15 पर निपट गई है। अब मैं समझता हूँ कांग्रेस अब सुपड़ा साफ है पूरे भारत से, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। प्रचंड बहुमत, रिकॉर्ड ब्रेक जीत हुई, ये रिकॉर्ड ऐसे नहीं हुई है। जो एक देश का प्रधानमंत्री अपनी आज भी 100 साल की माँ को इतनी सेवा करता है, वो मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है कि माँ बाप का ही आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, और ये अब जनता का आशीर्वाद ही तो मिल रहा है। जो देश का प्रधानमंत्री 2024 की में भी उसके साथ में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, भाई सेकंड विकल्प हो तो बिल्कुल सोचने की बात है, लेकिन सेकंड विकल्प रहा ही नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ो, प्रधानमंत्री पहले ही बता चुके हैं कि श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे प्रत्याशियों में खुशी की लहर है, प्रचंड बहुमत पर सर क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी है, मानो जो 1985 में कभी 149 सीटें आई थी उसको पार करके ये भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी का स्नेह है, रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है सर। जी इतना खुश है, जो कल का गम था ना वो आज खुशी में तब्दील हो गया, सिटी का गम। जी और हम गुजरात की जो जनता ने जी जान से प्रधानमंत्री को चुन के और यहाँ भेजा, और गुजरात का देखना और विकास होगा, क्योंकि गुजरात एक मॉडल है देश के लिए, और वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने वोट डाला है, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, सबका बाहर हाथ जोड़ के झंडा फहरा के प्रणाम। अगर वो लोग भी होते ना हमें और खुशी होती, लेकिन वहाँ पे भी उनको बुलाकर यहाँ पे भी सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है हमारी। सर से जानेंगे, चलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता का लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राम भगत मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राम भगत मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गौ माता का भगत मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राम भगत मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिव जी महाराज का भगत मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का जश्न पूरी तरीके से मनाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे, रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है?
बहुत भारी रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। गुजरात की जनता ने भाई के रूप में आशीर्वाद दिया। 2024 में भारत की पूरे भारत की जनता भाई के रूप में आशीर्वाद देगी। अच्छा सर, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम एंट्री लेंगे, झोपड़ा साफ करेंगे बीजेपी का। कुछ नहीं है, वो नेगेटिव है, वो तो डिंग मारते है डिंग, और कुछ नहीं है उनके पल्ले। अच्छा सर, आप कह रहे थे किस तरीके से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 158 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ में जो मोदी जी ने वहाँ का जादू चलाया है, मोदी जी का जादू, मोदी मैजिक काम किया बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ वहाँ की जनता ने जितनी काम किया है मोदी जी की, जो है 12.5 साल उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, 8.5 साल उनको PM हो गया, इसलिए जनता उनसे जो है उससे भी ज्यादा प्यार करने लगी है। सर क्या कहेंगे, क्या वो मुद्दे रहे? जनता ने पूरा प्यार दिखाया, पूरा समर्थन दिया बीजेपी को, पूरा प्यार दिखाया है गुजरात की जनता को। बहुत बहुत बधाई, 5.5 करोड़ जनता को बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं कहना चाहता हूँ फ्री का लोभ हमें नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को जो है हम मेहनत करके खिला लेंगे। फ्री का दोगे तो देश का विकास रुक जाएगा, जैसे दिल्ली का रुक गया है। दिल्ली का जो है 25 साल, आपको लगता है दिल्ली का विकास रुक गया है? दिल्ली का विकास जो रुक गया है, अगर अरविंद केजरीवाल 2012 में जैसे आए थे, जैसे वादा किया था, अगर वो ऐसे काम करते तो दिल्ली आज जो है दिल्ली जैसे कहलाती। दिल्ली की गलियां, दिल्ली की गंदगी गलियां देखो तो नाले में पानी भरा हुआ, सड़कों में पानी भरा हुआ है, रोड नहीं कर रहे काम। तो ऐसे विकास करने के लिए केजरीवाल आए हैं, फ्री में दे रहे हैं, लोग जनता को लूट रहे हैं, जनता को जितना लूट रहे हैं। एमसीटी में जीत गए, अब आगे भी जीतते रहेंगे। आने वाला समय ऐसा होगा दिल्ली वाले पछताएंगे, आधे तो जाग गए हैं, पूरे को जगाना है 2024 में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ, मैं सृष्टि मिश्रा। बता दें इस वक्त हम आपको दिखा रहे किस तरीके से बीजेपी मुख्य कार्यालय में ये पूरा जीत का जश्न मनाया जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, 158 सीटों पर गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और कांग्रेस की बात करें जो ये कह रही थी कि इस बार भी मुकाबले में हम आएंगे, कहीं ना कहीं फ्लॉप होती दिखाई दी। और क्या कारण है तमाम जो बीजेपी का प्रचंड बहुमत का कारण ये बताया जा रहा है कि गुजरात की जनता ने विकास को समझा है, विकास के मुद्दों पर गुजरात की जनता ने वोट किया है। इसके साथ ही पूरा जीत का जश्न का माहौल आपको एक एक करके दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा जीत का जश्न का माहौल है। तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की तमाम प्रत्याशी। और लगातार आपको बता दें गुजरात की प्रचंड बहुमत पर क्या कहेंगे सर? ये मोदी जी का कमाल है, मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, मोदी जी का बेदाग छवि है, मोदी जी की मेहनत का परिणाम है कि हम गुजरात में प्रचंड बहुमत से आए। 2002 का रिकॉर्ड टूट गया, प्रचंड बहुमत 158 सीट, क्या मुद्दे हावी रहे? मोदी जी ने साबित कर दिया है कि अभी मेरी चमक कम नहीं हुई है, और हम आज भी उसी तरह गुजरात में जिस तरह से परचम फैलाते हुए आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। उनका कहीं भी कोई, उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं हुई है, कोई कमी नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम सरकार बनाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी तो झूठी पार्टी है, उसकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं करता। वो तो 230 यहाँ कर रही थी और वहाँ पे हो गई क्या? और वहाँ हम सरकार बना रहे हैं, जीरो जीरो। कांग्रेस ने कहा था कि इस बार भी मुकाबला हमसे ही है, क्या कारण, क्या लगता है पीएम मोदी का जादू चला है गुजरात की जनता पर पूरी तरीके से? राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके चले थे, वो भारत तोड़ो यात्रा में सफल हो गई, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा कि वो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं उसमें भी वो अय्याशी कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, क्या कहेंगे गुजरात की जनता के लिए आपका क्या संदेश? गुजरात की जनता ने एक बार पुनः मोदी जी को गोदी में उठा करके और उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है और कहा कि मोदी जी हैं तब गुजरात है। गुजरात में मोदी जी हैं तब गुजरात है कहने वाले आपका क्या कहेंगे? गुजरात में प्रचंड बहुमत, भाजपा
गुजरात की जनता जिस तरीके से समझदार है, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जाता है गुजरात में और ये कहता है कि हमने दिल्ली में काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में सरकार है, समझ नहीं आता। पर दिल्ली वहाँ के गुजरात के जनता ने तय कर लिया कि हमें वहाँ का दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने जमानत जब्त करके और वहाँ से दिल्ली भेज दिया। यही गुजरात की जनता है। कांग्रेस कह रही थी कि मुकाबले में इस बार फिर से हम टक्कर देंगे, क्या लगता है? देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, वो यात्रा हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके की यात्रा है। पर जो देश की जो जनता है उसने तय कर लिया, उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम कहीं जाने नहीं देंगे। पर गुजरात की जनता को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब वो मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, गुजरात की जनता ने तय करके वहाँ से भेजा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से यहाँ पे जो विकास की गंगा को जो उन्होंने चुना है, आज गुजरात जिस तरीके से गुजरात में जो विकास हुआ है वहाँ की जनता भूल नहीं पा रही है। और अगले मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 15 साल भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जा रही है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली, प्रचंड बहुमत, क्या करेंगे? गुजरात की जनता ने हमारे मोदी साहब का काम देखा है, चाहे मुस्लिम महिला का मुद्दा हो, चाहे 370 धारा जो उठाई कश्मीरी पंडितों के लिए, और पानी बिजली, और अब झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दे रहे हैं। जो जो मोदी जी ने काम करके दिखलाया, आज गुजरात की जनता ने उनको भारी बहुमत से जीत हासिल करवाई है। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना बना है ना कोई भविष्य में आएगा। कोट तोड़े के साथ ही पूरा जीत का जश्न का माहौल, चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, तमाम ढोल नगाड़े बज रहे हैं, 2002 का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, प्रचंड बहुमत, 158 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ये रिकॉर्ड तोड़ बहुमत जो है ये हासिल की है। इसके साथ ही चलिए बातचीत करते हैं तमाम कार्यकर्ताओं से। गुजरात में जनता ने आशीर्वाद दिया है अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों को नकार कर, और गुजरात की जनता ने पार्टी को आशीर्वाद दिया, और साथ के साथ हिमाचल एमसीडी में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो कमियां हुई हैं, उनको हम सुधार करेंगे और 2024 की इससे भी बड़ी तैयारी करेंगे। हिमाचल के लिए क्या कहेंगे सर? हिमाचल के लिए जय श्री राम अभी सुनाई नहीं दे रहा है। इतने खुशी का माहौल है, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैंने इनसे क्या पूछा, और लगातार इतना जश्न का माहौल है। इसके साथ ही आपको बता दें अभी आप बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद है, तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का ये माहौल है। चलिए जानेंगे प्रचंड बहुमत, क्या कहेंगे? मोदी आएगा आगे भी, आने वाले आगे टाइम मोदी आएगा, मोदी सबको प्रिय है। रिकॉर्ड टूटा है, 158 सीट, 158 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा फहराया है, 158 सीट पर प्रचंड बहुमत, क्या कहेंगे? बेटा मैं जानता हूँ कि मोदी आना चाहिए, मोदी आएगा। चलिए चलिए कह रहे हैं मोदी को आना चाहिए। इसके साथ ही कई कार्यकर्ता और मौजूद है, आपको दिखाते हैं एक एक करके, बातचीत करेंगे और जानेंगे। लग रहे हैं प्रचंड बहुमत, भाजपा को प्रचंड बहुमत, क्या कहेंगे है जी? भाजपा की बड़ी जीत हुई है गुजरात में, क्या कहेंगे सर? हम धन्यवाद देते हैं योगी और मोदी, अमित शाह की वजह से, कार्यकर्ताओं की वजह से जो है बहुत बड़ी प्रचंड जीत हुई है, और हर जगह जो है हम जीत के आएंगे। अगली बार सन 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर बनेंगे, जय सियाराम। आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम रहेगा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है, रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक इस बार बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देश ही नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी की धाक जमी हुई है। 2040 तक नरेंद्र मोदी जी भारत के पीएम रहेंगे, बिल्कुल। अच्छा, इतना प्यार नरेंद्र मोदी को, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे पर सभी को विश्वास, 158 सीटें कम बड़ी बात नहीं है, और जिस तरीके से अमित शाह जी ने वादा किया था, दावा किया था प्रचंड बहुमत, सुपड़ा साफ करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मरुती नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ही एक जो विकास है, सबका साथ सबका विकास, आज मुस्लिम समाज हो, हर समाज नरेंद्र मोदी के साथ चलने के लिए तैयार है। यही एक विश्वास दिखाता है नरेंद्र मोदी में कि 2040 तक वो नरेंद्र मोदी देश के पीएम रहने वाले हैं। इनका दावा
2040 तक नरेंद्र मोदी पीएम रहने वाले हैं, प्रचंड बहुमत पर क्या कहेंगे? देखिए, ये 2024 का ट्रेलर था जो अभी गुजरात की जनता ने दिखा दिया है, और आने वाले समय में भारत की जनता भी बताएगी। जो और भी विपक्षी पार्टियां थी जो ये सोच रही थी कि फ्री के लोभ में वो उनको सपोर्ट करवा लेंगे और उनसे बहुमत ले लेंगे, उनको आज ये करारा जवाब दिया है गुजरात की जनता ने। तो आने वाले 2024 का ये आगाज है, और ये जो प्यार है, देशवासियों का प्यार है, जो आज गुजरात वासियों ने अपने वोट के माध्यम से दिखाया है, तो ये आने वाले 2024 का आगाज आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, हिमाचल पर क्या कहेंगे? रिवाज बदलता है, इस बार भी वही हुआ। देखिए, हिमाचल प्रदेश पे अभी रिजल्ट पूरी तरह से आई नहीं है, अभी आ जाने के बाद देखा उसको देखेंगे कि क्या आता है, लेकिन वहाँ पे भी हमें वोट परसेंटेज जो है वो अच्छा मिला है। ठीक है, कहीं ना कहीं मोदी मैजिक का जादू यहाँ चला है गुजरात में, और जिस तरीके से हम बीजेपी के मुख्यालय में आए हैं, उपस्थित है, तमाम जीत का जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया जा रहा है, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को क्या कहेंगे? बम्पर जीत है, ये बम्पर जीत है, ऐतिहासिक जीत हो गई। हाँ, ऐतिहासिक, 27 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, बहुत सुंदर जीत। ऐतिहासिक पार्टी कह रही थी कि सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का। हाँ, तो खाद अभी ना खोल पाते, पर थोड़ा सा हाँ लालच लेकर गई थी, जनता समझ गई इनों की मर्यादा है, जो सोच है इनों की, लालच लेकर आई है जनता ने, सब इनों के समझ गई है जनता, ये जनता समझ चुकी है। और आपको बता दे, 158 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से धमाकेदार वापसी हम कह सकते हैं। धमाकेदार हम इसलिए कह रहे हैं कि अमित शाह ने ये दावा किया था 158 सीटों से भी ज़्यादा लेकर आएंगे, इसके साथ ही अमित शाह ने ये दावा किया था प्रचंड बहुमत आएगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, 27 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी। शायद यही कारण है गुजरात की जनता इतना प्यार करती है, नरेंद्र मोदी पर इतना विश्वास दिखाती है, इसके साथ ही बीजेपी के कामों पर गुजरात की जनता को पूरी तरीके से एहसास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जब तक चलेगा हम समर्थन देंगे। सर, प्रचंड बहुमत क्या कहेंगे? विधानसभा तो बन गई हमारी, करो तैयारी लोकसभा की। हाँ, गुजरात मॉडल पूरे देश में चालू हो गया है, और 150 के आंकड़े पार हो गए हैं गुजरात में। मैं गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी को शुभेच्छा देने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं गुजरात मॉडल जो नरेंद्र भाई मोदी पर गुजरात की जनता का विश्वास है, देश की जनता का विश्वास है, देश की जनता उनको चाहती है, और विकास पूरी तरह लागू कर दिया है उन्होंने, ये मॉडल चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सभी को विश्वास, यही कारण है 158 सीटों पर पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।